हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और सुबह सुबह आ गई अपने किचन में। हालांकि चाय वगैरह सब कुछ हमारी हो चुकी है और सुबह का टाइम है, ठंड पड़ रही है, आप लोगों को पता ही है। मुझे तो ना कल मैंने इनर नहीं पहनी ना, तो बैक में दर्द स्टार्ट हो गया। सो अभी यहाँ पे मैं आरू मोलू को दूध दे रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं, हमने तो चाय पी ली। ये हमारा फ्राइंग पैन रखा है चाय का, तो आरू मोलू को दूध दे देती हूँ, उसके बाद कुछ करेंगे स्टार्ट घर का काम। और आज मेरे घर में कुछ होने वाला है। मैं आप लोग बोलोगे दी इतने दिन से कह रहे हो, बताते हो नहीं। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। तो आज से ना वो काम स्टार्ट होगा जिसके लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी। फाइनली वो काम स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तो मैं दे रही हूँ आरू मोलू को दूध, और दूध में से निकालनी है मलाई, मुझे बहुत सारी हो गई है। तो यहाँ पर बस वही दूध में से मलाई निकाल रही हूँ। और पता है एक महीने के अंदर है ना, कम से कम 1.5 से 2 किलो घी है ना, इसी मलाई में से निकाल लेती हूँ। ये जो पूरा डोंगा है ना, ये पूरा डोंगा भर जाता है 15 से 20 दिन के अंदर, और इससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो बड़े बेनिफिट होते हैं गांव में रहने से। सच में एक तो ताज़ा चीज़ें खाने मिलती हैं, शुद्ध चीज़ें खाने मिलती हैं, और है ना दूध के भाव में मुझे घी खाने मिल रहा है। यानी मेरा जो घी का खर्चा महीने का होता है ना, वो मेरा नहीं हो रहा गांव में रहने की वजह से। तो गांव में रहना मुझे इस वजह से बहुत पसंद आता है सच में। और पता है अगर हम लोग पहले शहर में रहते थे ना, जैसे शादी से पहले अहमदाबाद में रहते थे, तो महीने में कम से कम है ना 1000-1200 का तो हमारा तो उस वक्त घी आता था। हालांकि उस वक्त घी की प्राइस 200-250 रुपये थी, लेकिन अब तो 700-800 रुपये प्राइस हो गई है 1 किलो घी की। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए आज मेरी मलाई बन रही है। मैंने सोचा कि मैं इसी में से तमलेन निकाल लूँगी फिर मैं मेरा, लेकिन आज पूरा तमलेन वगैरह बदल गया। क्योंकि इस वक्त तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि है ना आगे जो थंबनेल आपने देखा ना, वो काम मेरे घर में आज ही होगा। मुझे नहीं पता था क्योंकि मिस्त्री आजकल कर रहे थे, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आज से काम शुरू होगा या कल से होगा। तो ये तो मैं रेगुलर की तरह, आज संडे था तो संडे के दिन बस हम लोग है ना सुबह उठे, हमने चाय वाय पी ली, बच्चे उठ गए तो बच्चों के लिए मैं दूध बना रही हूँ, तो बस वही खाने पीने की तैयारी कर रही थी। और संडे था तो थोड़ा सा लेट भी हो गया, आराम से कर रहे थे। नहाना धोना भी हम लोग आज लेट करने वाले थे, क्योंकि भाई होता है ना कि 6 दिन लगे रहो उसी भागा दौड़ी में, तो एक दिन तो मन करता है कि रेस्ट कर लें थोड़ा सा। काम तो क्या है, घर का ही है, मुझे ही करना है। लेकिन आज है ना मेरा पूरा काम बिखर गया, क्योंकि अभी जो आपको दिख रहा है ना, वो तो सब नॉर्मल चल रहा है, रेगुलर वाला काम चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो काम होगा ना, वो रेगुलर वाला काम नहीं था। वो बस जिस चीज़ का मुझे इतने सालों से इंतज़ार था ना, वो उस दिन वो वाला काम था। क्योंकि एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका घर अच्छे से बन जाए, सेट हो जाए, अच्छा सा घर, सुंदर सा घर उसका बन जाए। मेरा घर अंदर से तो काफ़ी अच्छा है, आप सबको भी बहुत पसंद आता है। और हाँ, होम टूर की वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट किए, उसके लिए थैंक्स, दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस आगे का जो पोर्शन है ना मेरा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, और बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेन रीज़न है ना, गंदा तो कुछ नहीं है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, आगे भी अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली सी रहती है। लेकिन बंदर इतना परेशान करते हैं ना, कभी सीढ़ियों से आ जाते हैं, कभी टंकी के ऊपर से आ जाते हैं, कभी मेन गेट से आ जाते हैं। तो कोई भी सामान बाहर नहीं रख सकती, एकदम से घर से बाहर निकलो तो भी डर लगता है कि सीढ़ियों पर से बंदर काटने को दौड़ते हैं। तो इस वजह से क्या है कि बाहर का पोर्शन बनवा रहे हैं। ये दोनों बच्चों का दूध हो गया रेडी। आरू का दूध बॉर्नविटा वाला और मोलू का है चाय दूध, क्योंकि है ना मोलू बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पीता है, उसको हैबिट ही नहीं पड़ी है स्टार्टिंग से। और आरू को जब तक मैं बॉर्नविटा डाल के नहीं दूंगी ना, तब तक वो नहीं पिएगी। सो दोनों बच्चों के दूध हो गए रेडी। और ये कप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर प्लास्टिक की लेयर है, गर्म नहीं होता, और अंदर से स्टील है, सो अनहाइजेनिक भी नहीं है। तो आप सब लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग ऊपर वाला कमरा सही करवा रहे हो, क्योंकि मैंने जब बोला ना सरप्राइज़ के बारे में, तो काफ़ी लोगों ने मुझे आगे का भी कहा कि आप आगे का घर सही करवा रहे हो, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ऊपर का कमरा सही करा रहे हो, और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया क्या कहा, आप ऊपर का कमरा भी करवा रहे हो और आगे का भी करवा रहे हो।
तो मेरे सब्सक्राइबर, मेरी जो फैमिली है ना, बहुत होशियार है। उन्होंने पहले ही सारी चीज़ों को कह दिया, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखा था। लेकिन अभी ऊपर वाला कमरा कराएंगे या नहीं वो पता नहीं। हालांकि दिवाली से पहले मैंने कहा था कि मैं ऊपर वाले कमरे को डेफिनेटली बनवा ही लूँगी, लेकिन अचानक से ना ये सारा काम स्टार्ट हो गया। उसका भी रीज़न है, वो ना अब कैसे बताऊँ, बस वही है कि कहते हैं ना कि भगवान ने चाहा तो बस बनने लगा। वही मैं हर बार कहती थी कि ठाकुर जी का हाथ सर पे हो तो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा ही लगता है जैसे ठाकुर जी ने अपना हाथ हमारे सर पे रख दिया तो ये काम होने लगा। और भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि भाई आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि भाई मुझे अपने घर को सजाना संवारना कितना पसंद है। और जब मेरा घर और अच्छा बन जाएगा तो मैं और भी कुछ नया करूँगी। मुझे है ना ज़िंदगी में नया करने का बड़ा शौक होता है कि ज़िंदगी में हमेशा ना कुछ नया होना चाहिए। ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलनी चाहिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती हूँ अपनी लाइफ में। और उन्हीं छोटी छोटी खुशियों से ना मैं खुश रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की हाया है या फिर किन्हीं शौक मौज की हाया है। आप देखते हो मेरी लाइफ कैसी है, अपने घर के काम करती रहती हूँ और उसी में मैं खुश रहती हूँ। और सही मायने में एक औरत की खुशी ना अपने परिवार को संभालने में और अपने घर को संभालने में ही होती है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग का भी शौक़ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूं। शॉपिंग भी मैं पता है ज़्यादातर वही करती हूं जो मेरे घर की मतलब की हो। वरना जिस दिन मैं आपको अपना ड्रेस कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तो आप बोलोगे कि दी आपके पास बस इतने ही सूट हैं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कपड़ा ही तो है, फट जाएगा, चला जाएगा, क्या करना है। और ये चीज़ें क्या है कि घर की, भैया देखो मैं अगर चली भी गई ना तो मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए होगी, तो उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। और मैं बस जो भी जोड़ रही हूँ ना आज, बस यही सोचकर जोड़ती हूँ कि मैं जोड़कर चली जाऊँ और सारी चीज़ें मेरे बच्चों के लिए हो जाए। क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने और जय ने हमेशा से झेली है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरी बहू आकर उस तकलीफ़ को झेले। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मोलू के लिए इतना सब कुछ कर जाऊँ कि जब मेरी बहू आए ना तो वो ये कहे कि मेरी सास ने मेरे लिए कोई कमी नहीं रखी है, और वो बस अपने मन में खुश होकर आए कि हाँ मेरी सास मुझे बहुत प्यार से रख रही है, बहुत सुख से रख रही है। ये जो घर बनवाना, ये छोटी मोटी तकलीफें हैं ना, ये मैं खुद झेल कर है ना ख़त्म कर देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब मोलू की बीवी आए, मोलू की बहू आए ना, तो अच्छे खासे घर में आए, उसको लगे कि हाँ ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, उसको किसी भी तरह की कोई मैं तकलीफ ना दे पाऊँ और घर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है ना वो कभी दुख ना महसूस कर पाए। तो बस यही है कि जो तकलीफ शुरुआत से मैंने झेली है ना घर को लेके, परिवार को लेके, बस भगवान से यही दुआएं मेरी बहू को ये सारी तकलीफ ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को झेलते हैं ना तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा आगे का परिवार उस चीज़ को ना झेले। क्या हो रहा है? सरप्राइज तो बता दो। तो बस यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैंने उनसे बोला, मिस्त्री भैया है ना जो, ये हमारे गांव के ही हैं, तो मैंने इनसे बोला कि मेरे पेड़ पौधों को संभाल के पहले हटा दो, क्योंकि अगर ये टूट गए ना तो मेरा सारा सुख है ना दुख में बदल जाएगा। मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इन सारे पेड़ पौधों को ना मैंने अपने ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया, ताकि है ना ये ऊपर रखूँगी, अगर खुले में रख दूँगी तो बंदर तोड़ देंगे, और यहाँ रखूँगी तो वह वैसे ही गंदगी से टूट जाएंगे, चीज सामान से टूट जाएंगे। तो सारे पेड़ पौधों को ना मैंने उठाकर अपने ऊपर वाले रूम में पैक करके रख दिया है। और दिन में थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि इनके ऊपर थोड़ी धूप चली जाए, थोड़ा सा बाहर की खुली हवा इनको मिल जाए। तो बस ये काम मैं इतना कर देती हूँ। और बस अभी मैंने ये भैया से यही कह रही थी कि अंकल आप है ना प्लीज़ मेरे पौधों को ध्यान से निकालना, मनी प्लांट का पौधा कहीं टूट ना जाए। और खुद खड़े होके है ना मैं सारा काम करवा रही थी, और अब आप आगे है ना सारे काम करवाते मुझे ही देखोगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जय अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं ना कि घर के काम हो या एक्स्ट्रा काम हो ना वो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि देखो सुबह 7 बजे वो स्कूल चले जाते हैं, 2:30 बजे स्कूल से आते हैं, और आने के बाद भी उनके कुछ और भी ऐसे काम हैं जिनको कि वही संभालेंगे, मैं नहीं संभाल सकती। स्कूल का काम तो मैं तब भी संभाल लेती हूँ, लेकिन और भी जो काम है ना उनके वो खुद ही करते हैं। बाहर आना जाना, भाग दौड़, जेंट्स को बहुत काम होते हैं। और जय तो मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है। अगर जय इतने अच्छे नहीं होते ना तो शायद मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि एक गाँव में मुझे इस तरह से रखना और हर तरह की मुझे आज़ादी देना, कहते हैं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ जो मुझे इस तरह के, यानी मुझे जय मिले।
क्योंकि जय ने मुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी और किसी भी तरह की मुझे कमी महसूस नहीं होने देते हैं वो। आप ध्यान से, पैर पैर नहीं रपट जाए ध्यान से। मेरी मेल, मैंने कितने प्यार से इसको पाला है सही में। अब जा, लेकिन मैं इसकी जड़ नहीं काटूंगी, है ना? हाँ, जड़ से क्या है कि दोबारा आ जाएगी नहीं ये। मोलू बेटा गिर जाएगा, तू इधर आ जा। मम्मी, हाँ? ये क्या कर रहे हैं? ये काट रहे हैं बेल को बेटा। हाँ, मम्मी, पूरा घर खाली खाली हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा घर। सिंडिया तो गंदी है ना? हाँ, नई सिंडिया बनाएंगे तेरे लिए। ये सब मैंने बंदरों की वजह से की थी इतनी आड़त, नहीं तो दीवार पे बैठे आते थे, फट से घुस जाते थे गेट में, तो मैंने जाल सा बिछा दिया था ऐसे ही। ये बेल, बेल अटकाइए, बेल काट दो उसको, ये तो खाली बेल अटका दी थी मैंने उससे। बालंग है, बालंग सुधा है, मम्मी के घर तक है, कील बंद रही है, फिर जिठानी के घर तक चली गई है बेल पूरी, नहीं उनकी टीन चली जाए नीचे ही। हाँ, खेच लियो उसको जयलंग, खेच लियो बेल पूरी, खेच लियो जयलंग। हाँ हाँ मम्मी, कैसे आए थे? हैं? ये कैसे आए थे? ये ऊपर से कूद के आए हैं। उधर से कूद के? बहुत इसके अंदर ढकरा वगैरह सब है। ढकरा तो पड़े अंदर। हाँ, घर कब बनाएंगे? स्टार्ट तो कर रहे हैं बेटा। बेल चादनी थी ना, तार बांध लिया था ऐसे करके, और जान दो नीचे। एक लाऊं मैं आरी का पत्ता, और लाऊं यहाँ से काटू ऊपर से। ना लग रही यार उसे, निकल जा। ये तो मेरे ही काम है उल्टे सीधे। माशाओं कहते क्या कर रही है, मैंने कहा कि कुछ कर रही हूँ, तो मैंने नहीं जानी थी बेल इतनी बढ़ जाएगी। मैंने तो ऐसी चढ़ा दी थी, मैंने कहा चढ़ रही है चढ़ा दो, तो बारिश का पानी लग लग के भैया इतनी हो गई कि कुछ कहना ही नहीं है। मम्मी को मत काटना, बिल्कुल गार्डन सी लगती थी ऊपर। बेटा फिर हो जाएगी ऊपर, मैं जड़ नहीं काटी। देखो फिर भी हो जाएगी। ए बोलू गिर मत जाना ऊपर से, आरो बोलू ध्यान रख। तो आप लोग ये कहोगे कि जब ये मिस्त्री सारा काम कर रहे हैं तो फिर मैं इनके साथ में क्यों लग गई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे अगर जब घर बनता है ना तो फिर मैं एक जगह बैठ कर है ना तमाशा नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट इनके साथ काम कराओ, काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, उससे क्या होता है कि पैसे की बचत होती है। अब मिस्त्री अगर ये काम करेंगे तो फिर हमारे जो रोज़ का जो पैसा, क्योंकि है ना ये जो होता है ना कि रोज़ आते हैं, रोज़ पैसे देते हैं, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, तो रोजिंदारी पर रखे हुए हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं साथ में करवाती हूँ और मैं अपने हिसाब से भी करवा लूंगी, क्योंकि दूसरा इंसान दूसरी तरह से काम करेगा और हम अपने काम को अच्छे से ही करेंगे। तो मैं बस वही है कि बैठने वालों में से नहीं हूँ, और जब तक घर बनेगा ना तब तक आप मुझे इसी तरह से काम करते हुए देखेंगे, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। घर के भी काम करती हूँ, खाना पीना साफ सफाई वो भी होता रहता है साथ में, और ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। तो ये मेरा पौधा है ना नीचे रह गया था, तो फटाफट से इसको भी ऊपर रख के आई, नहीं तो फिर वो टूट जाता। इस बेल ने है ना मेरा घर और साथ में मेरी बगल में जो मेरी जिठानी का घर है ना, उनका दोनों के घर की जो चद्दर थी ना उसको कवर कर लिया था। तो इसको बस अभी काटने में ही हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि काफ़ी फैली हुई थी, काफ़ी सारा घर का एरिया है ना इसने कवर किया था, बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। एकदम खाली खाली हो गया, देख इसका ट्रैपोर्ट का टांग गया, टूट गया। खाली खाली लग रहा है बिना बेल के मुझे, तो इतने सालों से मेरा साथ निभाया था इस बेल ने, बंदरों से बचाया था। क्यों रे छोटे बंदर, ए मोलू मेरा छोटा बंदर, वो रहा ये बड़ी बंदरिया। मिल गया आपको आपका सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है काम।
और क्या काम हो रहा है वो भी आपको धीरे धीरे पता पड़ जाएगा। देखो मोलू सफाई कर रहा है। ए मोलू, मम्मी को ठंडी लग रही है, बेटा ऐसे ही घूम रहा है। अब ये सब सुधर जाएगा देखना, और घर बनता है तो कितनी खुशी होती है ना।